नमस्कार फ्रेंड्स, टेक्निकल कंप्यूटर इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल होगा आपकी सभी कंप्यूटर क्लासें, बेसिक से लेके हाई लेवल तक की सारी क्लासें आपको इस पर मिलेगी। फ्रेंड्स, क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेक्निकल कंप्यूटर इन्फोटेक HSCIIT कंप्यूटर सेंटर मंडी आदमपुर से। अगर आप HSCIIT का कोई कोर्स करना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें कि मेरे को क्वेरी है एडमिशन के लिए। आज हम कंप्यूटर का प्रोग्राम करने जा रहे हैं MS Paint। माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज कोई भी पिक्चर तैयार करने के लिए और तैयार की हुई पिक्चर को एडिट करने के लिए MS Paint का यूज किया जाता है। बेसिक कंप्यूटर का सबसे पहला प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स, आज हम MS Paint तैयार करने जा रहे हैं। MS Paint में सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू का, फाइल कोई भी नया पेज देने के लिए, क्रिएट मतलब कि एक पिक्चर बनानी है उसके लिए नया पेज का यूज किया जाता है। उसके बाद ओपन, कोई भी पिक्चर ओपन करेंगे जो हमारे पास पहले से है उस पर एडिटिंग करने के लिए कंट्रोल ओ के द्वारा ओपन किया जाता है। कोई सी एक पिक्चर हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन पार्ट के दो है हमारे पास, रेक्टेंगुलर और आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे मैं मान ली इतना सिलेक्ट किया, मेरे को क्या करना है कि मेरे को इतना एरिया यहाँ से क्या कर देना, कट कर देना है। तो ये सिंपली आप इस जो आपके टूल्स बॉक्स में कट का ऑप्शन दिया होगा वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल एक्स जो उसकी शॉर्टकट की है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से जो एंडू की शॉर्टकट की है आपका वापस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कोई भी आपने सिलेक्ट किया उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो, उसका सेम एज इट इज जो आपने किया है वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेस्ट में, पेस्ट फ्रॉम, कि इस पिक्चर के साथ कोई दूसरी पिक्चर लेनी है और हमें वो भी इसके साथ में ही रखनी है, तो उसके लिए पेस्ट फ्रॉम का यूज किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग एक पिक्चर के साथ दूसरी पिक्चर को ऐड कर देते हैं हम फ्रेंड्स। उसके बाद मान लो कि हमने पिक्चर सेलेक्ट की इतनी और हमें इतनी ही पिक्चर रखनी है, इसका बाहर का एरिया है वो नहीं रखना है, तो इस पिक्चर को हम क्रॉप करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स। तो ये देखिए हमने जितना सेलेक्ट किया सेम उतना ही रहा है, बाकी सारा कट हो गया। कंट्रोल जेड यानी अंडू की जो शॉर्टकट की है उससे हम ले लेंगे वापस फ्रेंड्स। उसके बाद रिसाइज, इसको साइज छोटा बड़ा करना हो उसके लिए आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद रोटेट, इस पिक्चर को घुमाने के जो ऑप्शन आते हैं आप राइट में लेफ्ट में 180 डिग्री बैक घुमा सकते हो, फिर वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी आप इसको घुमा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे की पिक्चर नई बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम नया पेज लेंगे जिस पे क्या करेंगे, नई पिक्चर तैयार होगी। नई पिक्चर तैयार करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर के हर एक प्रोग्राम की वीडियो आप इस चैनल पर मिलेगी। नई पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिल का यूज़ करेंगे। पेंसिल उठा के आप यहाँ से इसका साइज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस के द्वारा साइज आप बड़ा भी कर सकते हो, और हम एक पिक्चर क्रिएट करेंगे। ये हमने सिंपली एक घर बना दिया। अब इसकी कुछ ऐसी लाइनें होंगी जो हमारे इससे नहीं चलानी थी, जो लाइनें हमसे पेंसिल के द्वारा चल गई है, तो अगला जो फंक्शन आता है वो इरेजर के द्वारा हम उन लाइनों को भी हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का ऑप्शन आपका रहा है इरेजर के द्वारा हम इसको हटा सकते हैं। कंट्रोल प्लस के द्वारा इसका साइज इरेजर का बड़ा करेंगे और जो भी फालतू की जो लाइनें हैं उनको यहाँ से हटा देंगे। अब आगे आता है फिल कलर। आपको बाल्टी जो फिल कलर की जो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कलर चूज करना है।
और आप इसमें जहाँ चाहे वो कलर कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर आप चूज करोगे, कोई तीसरा कलर भी आप चूज करोगे, चौथा कलर भी चूज करोगे, मल्टीपल कलर आप यहाँ से कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो हमने ये क्या कर दी, एक पिक्चर तैयार कर दी। अब अगला ऑप्शन आता है कलर पिकर का, कि हमने कुछ कलर यहाँ से उठाए उसके बाद हमने कलर किया। लेकिन कलर पिकर क्या करता है, कलर पिकर पिक्चर में से कलर उठाता है। मान लो हमें येलो कलर है, यहाँ से उठा के इस येलो कलर को ऊपर वाले पार्ट में येलो कलर करना है। मान लो इस बैकग्राउंड पे येलो कलर करना है, यहाँ से येलो उठाना है, लेकिन हमने यहाँ से क्या कर रखा है, ये ब्लू सेलेक्ट कर रखा है। तो आप क्या करोगे, कलर पिकर करोगे, कलर पिकर पे क्लिक करके ये येलो कलर आपने यहाँ से उठा के क्या कर दिया, वहाँ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है अल्फ़ाबेट, जो आप टेक्स्ट लिखोगे उसके ऊपर। कोई भी एक टेक्स्ट लिखना, मान लो ये पिक्चर किसने बनाई, उसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट लिखोगे। यहाँ से टेक्स्ट के जो ऑप्शन आएंगे आपकी, सबसे पहले लैंग्वेज, कोई भी आप एक लैंग्वेज आप इसमें यहाँ से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। कोई भी आपको स्टाइल देना है वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, और आपका जो टेक्स्ट का साइज कितना रहेगा वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। आप कौन से कलर में टेक्स्ट लिखोगे वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं। ये नाम लिखा हमने, ठीक है, तो इससे आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये पिक्चर शायद रोशन ने बनाई होगी। ठीक है, आगे ऑप्शन आता है आपका मैग्निफिकेंस का, कि इसके अंदर आपको क्या करोगे, किसी पिक्चर को पार्ट को एक जगह से आप बहुत ही गौर से या फिर उस पार्ट को पूरी तरीके से जूम करके देख सकती हो, और राइट क्लिक करते जाओगी तो वो पिक्चर छोटी होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज आते हैं जिनका यूज अकॉर्डिंग टू पिक्चर किया जाता है। मान लो मैं यहाँ से ब्रश का साइज बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो ये मैं आपको चला चला के दिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू आप अपने यूज क्या करोगे, इन ब्रशेज का इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे कि आपको इन ब्रशेज की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ब्रशेज आप फ्रेंड अपनी अकॉर्डिंग टू पिक्चर यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके आगे आती है डिफरेंट डिफरेंट शेप। शेप के द्वारा हम काम करने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और हर एक प्रोग्राम को आप देखते रहें। फ्रेंड्स, आगे शेप आती है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की, 23 शेप्स हमारे पास होती है। 23 शेप में हम कोई भी शेप के अकॉर्डिंग भी एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। किसके तरीके, देखिए मान लो मैंने शेप उठाई यहाँ से, अब शेप के अकॉर्डिंग हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, आप जैसे जैसे प्रोग्राम को देखकर अपने पर्सनल ट्राई करोगे तो आप ये प्रोग्राम बना सकते हो। उसके बाद मान लो मैंने ये शेप के द्वारा एक आर्ट बना दी, इस आर्ट को मैं कलर करता हूँ, कलर करने के बाद देखना ये आर्ट किसके अकॉर्डिंग खिल जाएगी, आपको बहुत सुंदर लगेगी आर्ट कलर करने के बाद। मानिए फ्रेंड्स, अब हमने इस पे लगभग लगभग कलर कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने इन शेप के द्वारा हमने सिर्फ 3 ही शेप ली और एक पिक्चर बना दी। तो इस तरह से आप शेप का भी यूज करके कोई भी पिक्चर बना सकते हो। अब अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फ्रेंड्स, कि हमने कोई शेप ली है, ठीक है फ्रेंड्स, ये शेप ली हम, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक शेप ली है, अब इस शेप की आउटलाइन कैसी आनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन है नो आउटलाइन, कोई भी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। तो आपके सामने जो ये शेप है नो आउटलाइन करते ही क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सॉलिड कलर होना चाहिए, क्रेन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, ये इसके वाटर कलर अलग अलग ऑप्शन है। इसके अंदर हमें कलर करना है, जो हमारा सेकंड कलर होगा, मतलब कि कलर फर्स्ट जो उसकी आउटलाइन आएगी, कलर सेकंड हमारा क्या होगा, इसकी जो अंदर वाला कलर होगा वो कलर सेकंड होगा। मान लो मैंने येलो कलर कर रखा है, अब मैं फिल करूंगा नो फिल, इसके अंदर कोई फिल होना चाहिए, सॉलिड कलर कर दूंगा, जो येलो कलर सेलेक्ट कर रखा है वो येलो कलर क्या आ जाएगा, मेरे इस वाले एरिया पे आ जाएगा। ठीक है, आगे क्रायन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपके सामने कलर्स हैं, आप कोई सा भी कलर इस पर अप्लाई करवा सकते हो। फ्रेंड्स, आगे आपके साइज आते हैं, साइज किसका आएगा, इस आउटलाइन का आएगा। इसके अलावा आप बड़ा साइज करना चाहते हो, कंट्रोल के साथ में प्लस, याद रखिए फ्रेंड, कंट्रोल के साथ में प्लस का बटन दबा के आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। देखिए आपके सामने आउटलाइन बड़ी हो रही है। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कलर्स हैं, आपके पास कोई कलर यहाँ पे ना मिले
तो आप कलर यहाँ से भी उठा सकती हैं, ये कलर स्केल आप